हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय भीम, नमो बुद्धाय। यह खूबसूरत जगह का नज़ारा मन को शांत और प्रसन्न कर देता है। इसी खूबसूरत पहाड़ियों की वादियों में आप यह पवित्र स्तूप देख रहे हैं। यह 3609 मीटर यानी 11841 फीट की ऊंचाई पर स्थित लेह लद्दाख की पूर्व राजधानी से 5 किलोमीटर यानी लगभग 3 मील दूरी पर लेह पैलेस के सामने एक खड़ी पहाड़ी पर स्थित है। इसे बनाने में 8 साल लगे हैं। यह शांति स्तूप उत्तर भारत में लेह जिले में लद्दाख के चंसपा में एक पहाड़ी की चोटी पर एक सफ़ेद गुंबद वाला बौद्ध स्तूप है, जिसे चोरटेन भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1991 में जापानी बौद्ध भिक्षु ग्योम्यो नाकामुरा द्वारा किया गया था। इस पहाड़ी की चोटी पर स्थित शांति स्तूप के पास जाने के लिए 555 खड़ी सीढ़ियों का उपयोग करके या किसी भी वाहन से सड़क से पैदल पहुँचा जा सकता है। शांति स्तूप का निर्माण जापानी बौद्ध और लद्दाखी बौद्ध इन दोनों के द्वारा किया गया था। शांति स्तूप का निर्माण भिक्षु ग्योम्यो नाकामुरा की देखरेख में अप्रैल 1983 में शुरू हुआ। 14वें दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो ने अगस्त 1985 में स्तूप की नींव का उद्घाटन किया। दोस्तों, यह स्तूप इसलिए पवित्र है क्योंकि 14वें दलाई लामा द्वारा इस शांति स्तूप के आधार पर तथागत भगवान बुद्ध के अवशेषों के साथ दलाई लामा की तस्वीर है। यह स्तूप न केवल अपने धार्मिक महत्व के कारण बल्कि अपने स्थान के कारण भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गया है, जो आसपास की इन पहाड़ियों का मनोरम दृश्य मन को लुभाता है। स्तूप दो स्तरीय संरचना के रूप में बनाया गया है। पहले स्तर में प्रत्येक तरफ हिरण के साथ धम्म चक्र की केंद्रीय कलाकृति है। साथ ही स्तूपा के अंदर मध्य में भगवान बुद्ध की प्रतिमा एक मंच पर बैठी हुई है, जो धर्म के घूमते हुए पहिए धर्म चक्र को दर्शाती है। दूसरे स्तर पर बुद्ध के जन्म, बुद्ध की मृत्यु, महानिर्वाण और ध्यान करते समय सिद्धार्थ द्वारा ज्ञान प्राप्ति के क्षण मार और उसके सेनाओं को परास्त करने को दर्शाने वाली कलाकृति है। इन दोनों स्तरों में छोटी ध्यानमग्न बुद्ध प्रतिमाओं की एक श्रृंखला है। दोस्तों, शांति स्तूप का निर्माण विश्व शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने और बौद्ध धर्म के 2500 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया था। इसे जापान और भारत के लोगों के बीच संबंधों का प्रतीक माना जाता है। अपने उद्घाटन के बाद से शांति स्तूप एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया है। यह लेह के आसपास सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। हालांकि इसकी वास्तुकला शैली लद्दाखी शैली से अलग है। दोस्तों, शांति स्तूप लेह शहर को देखता है। स्तूपा के पास से शहर चांगसपा गांव, दूर स्थित नामग्याल, सेमो, आसपास के पहाड़ों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त को शांति स्तूप से सर्वोत्तम दृश्य प्रदान करने वाला माना जाता है। रात में स्तूप को रोशनी से जगमगाया जाता है। स्तूप पर्यटकों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच खुला रखा जाता है। दोस्तों, यह परियोजना में लद्दाखी बौद्धों की मदद और उनकी स्वैच्छिक श्रम करने की पेशकश थी और जापानी बौद्धों के साथ साथ भारतीय समर्थकों ने भी आर्थिक रूप से सहयोग और समर्थन किया था। 1984 में स्तूप के लिए एक वाहन सड़क के निर्माण को मंजूरी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दी थी। इस निर्माण अवधि के दौरान भारतीय सेना ने भी अपना समर्थन दिया था। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए निर्माण सामग्री प्रदान की। दोस्तों, भगवान बुद्ध का यह बौद्ध धर्म दुनिया के हर कोने कोने तक फैला है क्योंकि इसमें सिर्फ शांति का मार्ग बताया है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।